साथियों नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल का जो आधार पाठ्यक्रम का पेपर हुआ है, बीए और बीसीए वालों का, इसका फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आप देखेंगे हिंदी के 50 प्रश्न और इंग्लिश के 50 प्रश्न, यानी टोटल 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन इसमें हम लोग देखेंगे। यह जो क्वेश्चन पेपर है, यह दिनांक की बात करें, तारीख की बात करें, तो 23 जुलाई 2022 के दिन जो एग्ज़ाम हुई थी उसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। साथियों हमारी कोशिश यह है कि हम इसमें जितने भी 100 क्वेश्चन हैं उनके सही सही आंसर आपको प्रोवाइड करवाएं। पर यदि किसी का आंसर मिसमैच हो जाए, किसी के आंसर में कोई त्रुटि आ जाए, तो कोशिश ये कि यदि आपको कहीं उसका आंसर सही मिल जाए तो आप उसको सुधार कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने का कोशिश करना है, कष्ट करना। हमारी वैसे कोशिश है कि 99% हम लोगों ने इस पेपर का सॉल्यूशन सही से तैयार किया। तो अब हम चलते साथियों ज़्यादा देर ना करते हुए 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर, और इन 100 क्वेश्चंस को हम लोग अब वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और 100 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। आपको मेरे जो स्क्रीन है उसके पीछे क्वेश्चन दिखाई दे रहे, उसकी तरफ हम लोग अब चल रहे हैं। साथियों यदि हम लोग देखें तो आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है। पहला प्रश्न है मातृभूमि कविता किसने लिखी है, तो इसका आंसर आप अच्छे से बता सकते हैं कि मातृभूमि की जो कविता है वह मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। आगे चले, दूसरा प्रश्न है मातृभूमि कविता में नीलांबर का अर्थ क्या है, तो नीलांबर का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर नीला आकाश, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है मातृभूमि की हवाओं की क्या विशेषता है, तो शीतलता प्रदान करती है, थकान मिटाती है, सुगंधित होती है, यानी कि डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अपनी जन्मभूमि से मनुष्य का नाता कब तक रहता है, तो साथियों यदि हम कहें तो आजन्म रहता है, यानी कि जन्म से प्रारंभ से लगाकर मृत्यु तक नाता रहता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चले, मातृभूमि की यशोगान का गुणगान कौन कर रहा है, तो प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यदि हम लोग करेक्ट आंसर देखें तो खेत की फसलें कर रही हैं। प्रश्न क्रमांक 6, मातृभूमि का जीवन का आधार कैसा है, तो प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी कि अन्न उपजती है, पानी देती है और खनिज प्रदान हमें प्रदान करती है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, तो सातवें का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पुरस्कार है, क्योंकि शतरंज के जो खिलाड़ी है, सॉरी साथियों इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी शतरंज के खिलाड़ी हैं। पुरस्कार जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी थे और अपना अपना भाग्य वो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी थे। तो पुरस्कार जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी और अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी थे, यानी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी कौन सा, शतरंज के खिलाड़ी, बी आंसर हो जाएगा जो आपके सिलेबस में दे रखी है। मीर और मिर्जा को किसकी आदत लग गई थी, तो आंसर ए हो जाएगा, शतरंज खेलने की आदत लग गई थी। प्रश्न क्रमांक 9, लखनऊ शहर पर अंग्रेजी सेना का कब्जा होने वाला था, यह जानते हुए भी शतरंज का खेल कौन खेल रहा था, तो साथियों इसका आंसर सी हो जाएगा 9 का, कौन सा, मीर अली और मिर्जा अली दोनों खेल रहे थे। 10वां, शतरंज के खिलाड़ी बिसाद बिछते ही दोनों मित्रों को किस बात की खबर नहीं होती थी, तो उनको नाश्ते की, भोजन की या समय की खबर नहीं होती, तो 10वें का आंसर डी हो जाएगा साथियों। प्रश्न क्रमांक 11, भारत के पहले स्वतंत्रता आंदोलन में किस सम्राट को अंग्रेजों की फौजों ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था, तो 11वें का आंसर है ए बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 12, दोनों मित्र किस्त श आदि शब्दों के साथ अब किस एकांत में शतरंज खेलने लग गए थे, तो साथियों जो शतरंज के खिलाड़ी कहानी है उसमें लखनऊ का चित्रण किया गया है, लखनऊ शहर के बारे में, लखनऊ के नवाब के बारे में बताया गया है, तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। वो डी क्यों हुआ, क्योंकि लखनऊ में कौन सी नदी है साथियों, तो गोमती नदी के पार मस्जिद में, तो वहाँ पर गोमती नदी है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13, जीप पर सवार इल्लियां पाठ के रचनाकार कौन है, तो आप लोग जानते हैं बी ऑप्शन शरद जोशी। 14, इल्लियों को किसकी पुत्री कहा गया है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इला की पुत्री कहा गया है। जीप में किसको क्या रखने को कहा गया है, तो साथियों 15 जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा सी, हरे चने के ढेर की बात हो रही है। 16, मुँह में पानी आना मुहावरे का क्या अर्थ है,
तो इसका आंसर आप लोग साथियों अच्छे से जानते हैं, लालच बढ़ जाना, डी ऑप्शन करेक्ट है। 17, 6 पृष्ठों के अखबार की कीमत क्या थी? तो साथियों ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताने का कष्ट करें कि 6 पृष्ठों के अखबार की कीमत क्या थी। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 18, अन्न की अधिष्ठाता देवी किसे कहा गया है? तो यहाँ पर साथियों पृथ्वी को कहा गया है। तुलसीदास रामकृत मानस का अध्याय यानी कौन सा कांड नहीं है? तो जो यदि रामचरित मानस देखते हैं तो उसमें इन जो कांड की बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की, तो कौन सा कांड नहीं उसके अंदर, तो उसमें लवकुश कांड नहीं आता। टोटल 7 कांड है जिसमें लवकुश कांड नहीं है, लवकुश कांड इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। आगे चले प्रश्न क्रमांक 20 की, तो राम के अन्य नाम क्या है? तो आप लोग जानते दशरथ सूत कौशल्य नंदन राघव, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चले मध्य भारत में लोकप्रिय राम कथा कौन सी है? तो रामचरित मानस है, यानी कि मध्य भारत का मतलब यदि आप चलें मध्य प्रदेश की यदि बात करें, मध्य भारत का मतलब मध्य प्रदेश की बात हो रही, तो रामचरित मानस। राम के जीवन की घटना नहीं है, तो साथियों कंसवध जो है वो राम के जीवन की घटना नहीं है, ये कृष्ण के जीवन की घटना है, क्योंकि कंस जो कंस थे वो भगवान कृष्ण के मामा कहे जाते हैं। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 23, युद्ध वीर किन की परवाह नहीं करते हैं? तो किसी भी आघात पीड़ा मृत्यु की, यानी प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर बी हो जाएगा। 24, शलाघ्य का अर्थ होता है? तो साथियों प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर हो जाएगा डी, यानी बुराई, चौबीस का आंसर हो जाएगा साथियों सी, प्रशंसनीय कर्म। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इसको सुधार लेना, प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर हो जाएगा सी, प्रशंसनीय कर्म। 25वां उत्साह निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रामचंद्र शुक्लम। दानी दान देते समय किस भाव में मग्न रहता है? तो 26 का आंसर डी, दया भाव, विनम्र भाव, श्रद्धा भाव, तीनों में मग्न रहता है, डी आंसर हो जाएगा ये सभी। अनुष्ठान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो साथियों जितना हमने पढ़ा उसके आधार पर हमें निष्कर्ष निकला है कि अनुष्ठान शब्द जो है वो दूसरी लैंग्वेज से आया हुआ है, इसलिए इसको आप तद्भव कह सकते हैं। इसका आंसर एक बार आप लोग चेक कर लेना, हमें आंसर तद्भव मिला है, हो सकता है आपको कोई दूसरा मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताने का कष्ट करें। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28, आत्मग्लानी का क्या तात्पर्य है? तो 28वां का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पछतावा। हम बोलते ना कि हमें आत्मग्लानी हो रही है, मतलब कि हमें पछतावा हो गया है। उत्साह के कितने भेद होते हैं साथियों? उत्साह के टोटल 3 भेद होते हैं, सी आंसर हो जाएगा। कौन कौन से? युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। कौन कौन साथियों? युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। प्रश्न क्रमांक 30, पहाड़ी और रेगिस्तान की जिंदगी में क्या समानता होती है? तो ये इसमें पहाड़ी और रेगिस्तान के लोग निडर होते हैं, साहसी होते हैं, उत्साही होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चक्रवाती कहलाने के लिए प्राचीन भारतीय राजाओं ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी, यह कथन कितना है? तो हम कह सकते हैं आंशिक सत्य है, पर ये करेक्ट, ये आंसर एकदम करेक्ट होगा, तो 31 का आंसर ए हो जाएगा। भारतीयों की एकता की असली आधार क्या है? तो हम कैसे भारतीय दर्शन और भारतीय साहित्य, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 32 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भारत का ऐसा स्थान जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आप जानते हैं मनसीन राम नाम आंसर आ जाएगा 33 का डी। भारत एक है पाठ के लेखक का मूल भाव क्या देखने को मिलता है? तो 34वें का आंसर हो जाएगा बी, यानी भारत की एकता और उसकी विविधता के बारे में बात करते हैं। भारत एक है पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो 35वें का आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित है। आदि शंकराचार्य ने कितने पीठों की स्थापना करी? तो 4 पीठ की उन्होंने स्थापना करी। जीवन की जटिलता पहेली का प्रमाणिक निहित है, सार निहित है, तो ये किस में नहीं थे साथियों? तो वेदों में नहीं थे, उपनिषदों में, महाभारत में या रामायण में। तो 37 का आंसर हो जाएगा साथियों डी, वेदों में नहीं थे। आगे चलते हैं आदि शंकराचार्य के अनुसार महान तीर्थ स्थली क्या है? 38 का आंसर हो जाएगा ए, यानी शुद्ध मन। 39, रस्सी कब सांप सा भ्रम पैदा करती है? तो अज्ञानता के कारण ऐसा भ्रम पैदा होता है, यानी कि 39 का बी आंसर। पुरुषार्थ कहलाता है धर्म, अर्थ, काम, ये सभी पुरुषार्थ की श्रेणी में आते हैं। 41, महादेव का विलोम तो महादेव कौन है सा? भगवान शंभू, भगवान शिव, तो आंसर हो जाएगा ए, शंभू। सरस्वती का पर्यायवाची शारदा और भारती दोनों होता है, यानी कि आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 43, हनुमान का पर्यायवाची क्या है? तो आप लोग जानते हैं हनुमान को पवन सुत भी बोलते, महावीर भी बोलते, कपीश्वर भी बोलते हैं, यानी कि सभी आंसर इसके करेक्ट है, यानी कि डी आंसर। उत्थान शब्द का विलोम क्या है साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी पतन। जो बीत गया उसके लिए एक शब्द, जो बीत गया उसके लिए एक शब्द यदि आप कहेंगे तो क्या बोलेंगे? व्यतीत हो जाना, व्यतीत, ए आंसर। 46, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं?
तो साथियों आप लोग हिंदी पढ़ते तो उसमें आता है 46 का आंसर, यहाँ पर डी संधि कहते हैं। संधि कितने भेद होते हैं आप लोग जानते हैं, तीन होते हैं, डी आंसर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उदारीकरण का मूल अर्थ क्या है, तो साथियों यदि 48 का आंसर देखें तो सरल होना, उदारीकरण का मतलब सरल होना, ये व्यापार से जुड़ा हुआ एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 49, कुटीर उद्योग से क्या आशय है, यानी कि छोटे उद्योग, 49 का सी। इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली है, तो साथियों छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली के अंतर्गत आती है, यानी 25वें का डी, क्योंकि पूर्वी हिंदी में आप अवधी, ठीक है, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीन आती है, तो यहाँ पर अवधी नहीं दे रखा, बघेली नहीं दे रखा, तो आंसर छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे हिंदी के 50 प्रश्न। अब हम चलते हैं इंग्लिश के 50 प्रश्नों की ओर। वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड से देखेंगे, तो कि आप लोग भी इनको आसानी से पढ़ सके और यदि आपका पेपर हो गया तो इन सॉल्यूशन को आप मैच कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक एक जो दिया हुआ है उसका आंसर हो जाएगा ए, यूनाइटेड आर एंड टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर वांट्स टू कंट्री टू बी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या चाहते हैं हमारी कंट्री क्या हो, यूनाइटेड बन के रहें। क्वेश्चन नंबर दो, यानी एक का आंसर ए हो जाएगा। द पोइट इन्वोक्स द माइंड विदाउट फियर टू, तो प्रश्न क्रमांक दो का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, अटेन फ्रीडम। थर्ड क्वेश्चन, द डेड हैबिट्स इज कंपेयर्ड टू ए एन, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, द सैंड ऑफ डेजर्ट, थर्ड का डी। द एक्सप्रेशन नॉलेज इज फ्री इंडिकेट्स, तो साथियों चौथे का जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा बी, फ्री फॉर्म सुपरटिशंस, यानी 44 का बी हो जाएगा। द एक्स स्टोरी रिटन बाय, यानी पांचवा जो है वो किसने रिटन लिखी थी, आर के नारायण, यानी सी आंसर हो जाएगा। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड वैलेंस दैट ही विल लिव इन, तो प्रश्न क्रमांक छः ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका उत्तर आप ढूंढ कर पता कर कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं। एक क्वेश्चन हमने हिंदी में छोड़ा, एक क्वेश्चन हम इंग्लिश में यहाँ पर छोड़ रहे हैं। वेलिन हैड डीप लव फॉर, किससे प्यार करता था, वो तो प्लांट से प्यार करता था। क्वेश्चन नंबर एट की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ही गोज वेरी फॉर। प्रश्न क्रमांक नौ की तरफ चलें तो व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द महात्मा गांधी, आप लोग जानते हो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी, प्रश्न क्रमांक नौ का आंसर सी हो जाएगा। दसवां, विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोन्डेड बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कौन से एजुकेशन सिस्टम को प्रपोज करना चाहते थे, कौन से एजुकेशन सिस्टम को आगे ले जाना चाहते थे, दसवां आंसर हो जाएगा डी, टीचिंग थ्रू लिसनिंग मेडिटेशंस एटसेट्रा, जो टीचिंग है वो किसके होना चाहिए, मेडिटेशन भी होना चाहिए उसमें और लिसन भी होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर साथियों यदि हम लोग देखें तो टीचिंग बाय एक्टिविटीज टीचिंग थ्रू म्यूजिक्स, यानी ए बी सी तीनों, यानी कि इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ग्यारहवां प्रश्न है, गांधी जी वॉन्ट दैट द स्टूडेंट्स शुड स्पेंड्स देयर वैकेशंस इन, उनका कहना था कि जो स्टूडेंट्स को वैकेशन मिलती है छुट्टियां मिलती हैं तो उन छुट्टियों को कहाँ पर उनको खर्च करना चाहिए, तो साथियों उन्होंने बताया था कि सोशल सर्विसेज में उनको खत्म करना चाहिए, उनका यूज़ करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ आ जाते हैं, तो एक टैग लाइन दी हुई, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग शुड बी एज फार एज पॉसिबल एज प्लेजरेबल ऑन वन एंड नॉट लेबोरियस, दिस वेयर द वर्ड ऑफ, ये जो टैग लाइन है किसने कही थी, तो साथियों आप लोग अच्छे से जानते हो मोहनदास करमचंद गांधी, यानी एम के गांधी जी ने इसको कही थी, हमारे राष्ट्र पितामह, यानी कि द वंडर दैट वाज इंडिया वाज रिटन बाय, किसने लिखी थी, तो एल भाषम ने लिखी थी, 13वें का आंसर बी हो जाएगा। व्हाट वाज द टाइम पीरियड द इंडस सिविलाइजेशन, 14 से यदि प्रश्न देखे तो उसका आंसर बी हो जाएगा, 2500 BC से 1700 BC हो जाएगा। What aspects to Indian culture influenced the far east most significantly? तो किसके ज़्यादा प्रभावित हुई, तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, इंडियन बुद्धिज्म, उसमें ज़्यादा उस टाइम पे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, बुद्ध धर्म ज़्यादा भारत में प्रसार हुआ था। When did the real contact between the India and China beginning? साथियों इसका आंसर मैंने जहाँ पर पढ़ा मुझे आंसर इसका सिर्फ एक ही एक मिला, 2000 वर्ष पूर्व। आपको यदि कोई आंसर लगे तो मुझे क्लियर करने का कोशिश करना। हाउ मैनी क्वींस डिड किंग्स पांडू हैव, तो 17वें प्रश्न का यदि हम देखें तो इसका आंसर बी हो जाएगा, दो थी कुंती और माद्री, दो थी
दो पांडव की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री, और उनसे फिर पांच पुत्र हुए थे, आप लोग जानते हो, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 18वां, हु वाज नोन ऑफ राजा जी, तो श्री राजगोपालाचार्य का उपनाम था राजा जी। व्हाट द ट्रू टेस्ट ऑफ ब्राह्मिनहुड, ब्राह्मिनहुड के लिए क्या लाइन प्रचलित है, तो 99 का बी हो जाएगा। इनका काम सिर्फ था शिक्षा देना, यानी ब्राह्मण का पहले एकमात्र वर्ग था शिक्षा देना, यानी टीचिंग का काम होता है। हु इज द कंसिडर एज वन ऑफ द हैंडसम मैन ऑफ हिज एज, यदि हम देखें तो अपनी उम्र में सबसे ज़्यादा हैंडसम कौन कहे जाते, तो महाभारत काल की यदि बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हैंडसम है, यानी 20वें प्रश्न का आंसर आप देखेंगे तो आपने गेस कर लिया होगा साथियों, नकुल सबसे स्मार्ट पर्सन माने जाते हैं आज तक के पूरे दुनिया में सबसे स्मार्ट पर्सन, पूरे यूनिवर्स में सबसे स्मार्ट पर्सन कौन माने गए हैं, तो 20वें का आंसर स यानी नकुल माने गए। एक आपको पैसेज दिखाई दे रहा क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक, आपने पैसेज पूरा वीडियो को रोक कर पढ़ लेना। ये अनसिम पैसेज एक और यूनिवर्सिटी में आ चुका है, इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने पहले बता दिया है, आप बताना कौन सी यूनिवर्सिटी में आया था ये पैसेज। क्वेश्चन नंबर 21 है, थोड़ा सा स्पीड से ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन ऑफ द करंट एवेन्यू प्रोडक्ट्स इन द कर्नाटका, तो 21 का आंसर हो जाएगा सी यानी 25%। 22वां प्रश्न जो आपको दे रहा, विच इज द वेराइटी ऑफ द कार्डमोम्स इज नॉट बिलोंगिंग टू इंडिया, तो 22वें का आंसर हो जाएगा साथियों सी। आगे चल रहे 23वां, कार्डमोना रीच एंड इट्स यील्डिंग स्टेज इन, तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, 2 ईयर आफ्टर प्लांटेशन। 24 का यदि हम देखें कि मेन हार्वेस्ट सीजन ऑफ कार्डमोम्स इन इंडिया इज, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा साथियों ए, अगस्त से फरवरी तक। 25वें का आंसर हो जाएगा साथियों सी, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कार्डमोना इन द वर्ल्ड, तो 25 का आंसर हो जाएगा साथियों सी यानी इंडिया। 26वां, विच स्पाइसेस इज नॉन ऑफ ए क्वीन ऑफ ऑल स्पीसीज, तो 26वें का आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर डी। 27वां, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन द कार्डमोनास प्रोडक्ट्स इन बाय केरला, तो 27वें का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 60%। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन प्रोडक्ट ऑफ तमिलनाडु, तो यहाँ पर तमिलनाडु का सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा है, तो 28वें का ए आंसर हो जाएगा ऊटी। कार्डमोना इज द बेसिकली क्या होता है, तो 29 की बात करें तो 29वें का आंसर हो जाएगा सी, ड्राइड फूड है। आंसर एक बार चेक कर लेना आप लोग साथियों। द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड फ्रेग्रेंसी गिवन द पैसेज एरोमा, द नाउन फॉर ऑफ फॉर्म ऑफ द डू इज, तो 31 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर साथियों डी यानी डिड। द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ मशीन इज, तो 32 का आंसर हो जाएगा साथियों ए, मैकेनिज्म। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 33 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कैन बी मेड अ प्लूवर बाय एडिंग द सफिक्स, तो साथियों 33 का आंसर आप देखेंगे तो बी, पोटेटो। 34 की बात करें तो 34 का आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों सी यानी इंक्रीमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट एंड द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड वाज द एडिंग द प्रीफिक्स इन, तो इंक्रीमेंट। ही हैड अ प्रॉब्लम ऑफ एडेप्टिंग हिमसेल्फ टू द न्यू, अब 35 को यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिया उसको पूरा करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टेंस, सर्कुमस्टेंस बोलते हैं इसके लिए, पूरा वर्ड है वो। 36, अ पर्सन लिविंग द परमानेंटली इन सर्टन प्लेस, क्या लाइन आती है उसके लिए, जो परमानेंट एक ही जगह रहता है, डोमेसाइल, मूल निवासी से हम लोग कह सकते हैं हिंदी में। 37, वन हुज अनएबल टू रीड एंड राइट, जो ना तो देख सकता ना पढ़ सकता उसके लिए 37 का आंसर हो जाएगा सी, इलिटरेट, अनएबल टू रीड एंड राइट, जो ना तो पढ़ सकता है रीड एंड राइट, ठीक है, ना लिख सकता, इलिटरेट मतलब कि निरक्षर जिसे बोलते हैं, जो साक्षर ना हो। 38, दिस इज वन ऑफ द कुछ रिक्त स्थान छुटा हुआ रूम इन दिस होटल, तो 38 का आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर बी, नाइस। जुपिटर इज द मोस्ट बिग, सबसे बड़ा प्लेनेट है, सभी ग्रहों में सबसे बड़ा कौन होता है, तो जुपिटर तो मोस्ट बिग आ जाएगा। 39 का डी, शी ब्रॉट मी राउंड टू हर व्यू द अंडरलाइन वर्ड इज,
तो 40वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा साथियों ए एडवर्ड। दिस इज द हॉस्पिटल प्लेस, प्लीज स्पीक क्विकली। तो इसमें यदि हम देखें तो गिवन सेंटेंस की बात हुई तो एडवर्ब पहचानना है, तो 41 का आंसर हो जाएगा साथियों सी। आगे चलते हैं 42, हु कैन प्ले, तो 42 का आंसर हो जाएगा ए पियानो इन योर क्लास। 43, तो यहाँ पर आया है फ्रेंच लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट, तो 43 का यदि आप लोग आंसर देखें साथ, एक मिनट रुक लेते हैं, 42 का आंसर है साथियों सी, ध्यान रखना इसको करेक्ट कर लेना। 42 का आंसर द पियानो आएगा, ध्यान रखना साथियों सी करेक्ट आंसर है। 43 की तरफ चल रहे हम लोग, 43 का आंसर वैसे तो आना चाहिए फ्रेंच लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट, तो अ फ्रेंच नहीं आ सकता, एन नहीं आ सकता, द नहीं आ सकता, तो अपने आप में कंप्लीट सेंट है, तो नन ऑफ दिस आएगा आंसर 43 का डी। यदि सिर्फ फ्रेंच की बात होती, लैंग्वेज नहीं होती है, तो फिर इसमें हम द यूज़ कर सकते थे, पर यहाँ पर 43 में यदि लैंग्वेज पीछे आ गया इसलिए नन ऑफ दिस हो जाएगा। 44, माय मदर इज कुक, तो यहाँ पर आ जाएगा अ कुक एट अ फेमस रेस्टोरेंट। 45, एग आर सोल्ड, साथियों इसका आंसर हो जाएगा 45 का बाय सी, शी वॉज रनिंग शॉर्ट टाइम, तो 46 का आंसर हो जाएगा ए एट शॉर्ट टाइम। अब चलते 47 क्वेश्चन की तरफ, मैनी पीपल हैव बीकम एंटरप्रेन्योर ड्यू टू द एप्टीट्यूड, तो 47 का आंसर हो जाएगा सी यानी अबाउट बिजनेस। 48, काउ हैज ए लॉन्ग टेल, तो टी ए आई एल, टेल की स्प्रिंग है टी ए आई एल, 48 का सी आंसर हो जाएगा। 49 की तरफ चलते, द फिल्म वाज, तो 49 का ए हो जाएगा बैंड ड्यू टू इस कंट्रोवर्शियल कंटेंट, उस फिल्म में कंट्रोवर्शियल कंटेंट था इसलिए उसको बैंड कर दिया गया। 50, एंटोनिम वाज द वर्ड ऑफ द, तो एक वर्ड दिया हुआ है, 50वें का आंसर हो जाएगा साथियों ए सिंपैथी, एम्पैथी का क्या हो जाएगा अपोजिट सिंपैथी हो जाएगा। तो साथियों ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का पेपर का सॉल्यूशन है, कौन सा फाउंडेशन फर्स्ट हिंदी और इंग्लिश, जिसमें हमने 50 प्रश्न 50 इंग्लिश के देखे हैं। ये पेपर 23/7/2022 यानी कि कह सकते हम लोग कब हुआ था, 23 जुलाई 2022 को हुआ था, उसका सॉल्यूशन आप लोगों ने यहाँ पर देखा। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगता है तो थंब दिखाकर लाइक करें, कंजूसी ना करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहे। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को किस प्रकार मदद कर रहा है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद साथियों, नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।